Hi, Vishal. Hi, Neha. Hi. So good to see all of you. Indian Idol is always is like coming back to my family. हमने इसे जब शुरू किया था अनुजी मैंने फराह ने तो हमें पता ही था कि ये इतना अच्छा फॉर्मेट है ये आगे इतना जाएगा. I have been hearing so many good things about all the three of you. अनुजी तो है ही. क्या बात? क्या बात? But विशाल मेरे हिसाब से मैं हमेशा बोलता हूँ भारत का सबसे underrated singer ये आदमी क्योंकि इस आदमी ने ऐसे से गाने गाए हैं पर कोई नहीं बोलता कि विशाल कितनी बड़ी चीज है. He's such a good singer. I'm really like I'm a huge fan of yours. Truly kind of you, my brother, no. to say this. Really, man, मैं मतलब दिल से बोल रहा हूँ ये बात. Thank you, my brother. It means the world. नेहा, I'm so proud of you. इसी मंच से आप आई हैं, आप बीच में इन दो सबसे गुणी लोगों के साथ में आप बैठी हुई हैं और ये कर रही हैं. So proud of you. God bless you. क्या बात? अखियां मिला के चन्ना पावे ना जुदाई वे अखियां मिला के चन्ना पावे ना जुदाई और साथ ही में जोरदार तालियां पारस जी के लिए हो जाए. क्या बात है सर, क्या कमाल कमाल. आहा, मतलब बदल बदल के बांसुरी जो उन्होंने सुर निकाले हैं कोई बांसुरी नहीं छोड़ी. क्या बात है, सुपर. थैंक यू सर, प्लीज आइए आराम से बैठे. यार रेनू कितना मजा आता है ना, वो गाना गाएं जिन्होंने बनाया वो सामने है, जिन्होंने लिखा है वो सामने है. क्या बात है यार, व्हाट अ डे, व्हाट अ डे. तो सबसे पहले अनुजी अगर आपकी इजाजत, मैं जावेद सर से पूछना चाहूंगा. सर पहले तो जोरदार तालियां, क्या गाना लिखा सर. सर सर जानना चाहेंगे क्या कहेंगे आप रेनू के बारे में. बहुत उम्दा, बहुत ही अच्छी और ऐसा खरा सुर है आपका, ऐसी खुली आवाज है, आवाज में बाराती चांदनी है ये
जो एक कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ एक आवाज का नहीं है कॉन्फिडेंस, वो एक पूरी पीढ़ी पूरी जनरेशन का है। क्या बात है, क्या बात है। ये गाना पिक्चराइज पहले हुआ था, बाद में कंपोज किया गया और उसके बाद लिखा गया। क्या बात, गाना पिक्चराइज था, लिप सिंग नहीं था। अब उसके बाद ये अनु मलिक का कमाल है कि कहाँ कट्स हैं, कहाँ लॉन्ग शॉट्स हैं, कहाँ क्या है, वो सब देख के इन्होंने गाना की ट्यून कंपोज की। क्या बात है अनु सर, अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सर, थैंक यू। और उस कॉम्पोजिशन पे फिर उस गाने की पिक्चराइजेशन के ही हिसाब से मैंने शब्द लिखे, तो ये काम एग्जैक्टली उल्टा हुआ। क्या बात है, क्या बात। मगर आपने इस उल्टे गीत को बहुत सीधा गाया। ओ जीवन सारा दिया। मैं बताना चाहता हूँ ये गाना जसपिंदर नरूला से मैंने गवाया है और बहुत कमाल की गायिका है वो, लेकिन आज मैं दावे से कह सकता हूँ जो एक बार विशाल ने कही थी अवंती के लिए, वो आज मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम पहले मिली होती मैं तुमसे ही गाना गवा लेता। मैं तो घर में ही समझूं तेरी कही हुई हर बात। मेरी भी एक बहुत ही प्यारी सी मेमोरी है जो इससे जुड़ी हुई है। मैंने एक शो पर जब मैं कंटेस्टेंट थी तब ये गाना गाया था और आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि तब मैंने वो गाना इतना अच्छा नहीं गाया था जितना आज आपने गाया। जीवन बहुत 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 अच्छा। इनो आज तुमने वाकई 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 क्या बात है। संदेसे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मेरी दिल रुबा, मेरी माँ को मैं
जाके मेरा पयाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा फिर अपने गांव में उसी की छांव में, के माँ के आंचल से गांव के पीपल से किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। सर आप बताएं कैसे, सर कैसा लगा गायकी, और सर उस गाने से जुड़ी कुछ यादें प्लीज आपसे जानना चाहेंगे। जब मैं वो गाना लिखने बैठा तो मुझे लगा कि चलते चलते एक जगह खत्म हो गया, इसका कोई क्लाइमेक्स नहीं बन रहा। तो जो नीचे का हिस्सा जो इन्होंने गाया है, ए गुजरने वाली हवा बता, ये ट्यून में नहीं था, ये फ्री वर्स में है, और फ्री वर्स को कंपोज करना आसान काम नहीं होता, इसलिए बराबर की लाइन नहीं है। तो गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, ये लाइनें बराबर की हैं। मेरे गांव जा, अब ये छोटी ही लाइन, मेरे गांव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे जी, मेरे गांव में जो है वो गली जहां रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहां तक गए, वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा मेरी माँ को मेरा पयाम दे, ये एक लाइन है, उन्हें जाके मेरा पयाम दे क्या मैं वापस आऊं। तो ये लाइनें बराबर नहीं है। तो हम ये बात कर रहे थे दोनों, शायद रिकॉर्डिंग 2-4-6 दिन आगे बढ़ानी पड़ेगी। मीनवाइल जब ये डिस्कशन चल रहा था, ये जो फ्री वर्स था अनु मलिक साहब कंपोज कर चुके थे। क्या बात है, ये हकीकत है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा इनसे, आपने शुरू में बताया कि कुछ इनका आंखों का प्रॉब्लम है, मेरे भाई एक बात बताऊं, लोग दुनिया आंखों से नहीं देखते, दिलो अकल से देखते हैं। क्या बात है जी। भी सर तुमने बेटा बहुत दिल से गाया, थैंक यू सो मच। और जैसे जावेद साहब हमेशा कहते हैं, वो चीज हमेशा कामयाब होती है जो दिल से की जाती है। थैंक यू सो मच। आज अंकुश जब तुमने ये गाना गाया तो मैं बताना चाहता हूं मेरी आंख में आंसू आ गए थे, नॉट ओनली फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ द राइटिंग, मैं बहुत खुश हूं कि मैं आज जज हूं इंडियन आइडल का, जिसमें मुझे तुम जैसा कलाकार मिला है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। टू मी फैबुलस सिंगिंग, अंकुश तुमने मौसम बदल दिया। वेल इसकी गायकी ने एक बढ़िया सी मुस्कुराहट ला दी है सबके चेहरे पर, तो इसी बात पे यार एक हैम्पर तो बनता है। लेट्स हैव द हैम्पर प्लीज। आइए इस खूबसूरत स्माइल को कैप्चर करते हैं एक खूबसूरत सी पिक्चर में। मैं तेरे वास्ते
दर पर दीवाना आया तेरे दर पर तेरा जलवा जो पाऊं मैं हर गम भूल जाऊं तेरा जलवा जो मैं पाऊं मैं तो हर गम भूल जाऊं ये आंसू जो है बहते बस इतना है ये कहते कहा तू आ कहा मैं पर आया हूँ यहाँ मैं जानो दिल बाद दूं मैं जिंदगी हाद दूं मैं जैसे शम्मा पे मरता है आया तेरे दर पर दीवाना आया तेरे दर पर दीवाना आया ओ आया आया तेरा दीवाना ये जो कवाली पेश की आपने ये मुझे ऐसा लगा कि लाइव तुम गाना गा रहे थे और लाइव गाते गाते तुम सबको बता रहे थे रियाज क्या होता है। एक्चुअली मैंने एक दो बार सोनू की तरफ देखा एंड सोनू ऑल्सो वॉज नॉडिंग हिज हेड ये बहुत बड़ी बात होती है। You know, I was noticing Sonu, you were reacting to it. कैसे सर, अच्छा गाना सुने और वाह वाह दांत ना निकले तो फिर म्यूजिशियन क्या हुआ? I see you 100% in the top 5. Tera deewana, tera deewana, tera deewana. Sonu ji, yahan aap abhi bataya Annu ji ne aap bahut enjoy kar rahe the, aap nod kar rahe the. Aapka kya kehna? Kyunki maine inko pehli baar suna hai friend, kyunki ab 4 din pehle hi India aaya hu aur main continuous tour pe tha to maine but maine show ke bare mein sun rakha tha. Ab mujhe malum hai kyun sun rakha tha. Tera jalwa jo paun main har gham bhool jaau. वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। जावेद सर, आपने ये गाने लिखा, फिल्म वीर जरा क्या बात है? सर आप क्या कहेंगे? जिस ईज के साथ और गाते वक्त जिस तरह से एंजॉय कर रहे थे कि ऐसा नहीं लग रहा था कि इन पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि इतने मुश्किल रास्तों से गुजरना है, वो आसानी से गा रहे थे, तो मुझे एक शेर याद आया कि ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। करम इतना हो। बुलाते हैं हमारी अगली कंटेस्टेंट को, कृष्ण कली साहा आहा। Yeah.
क्या बात है कृष्ण कली कमाल ओहो सर अगेन सर क्या लिखा है सर एक बार फिर से जोरदार ताली बजाइए जावेद सर के लिए ओहो सर कृष्ण कली जो मैं कह रहा हूं वो इसके अलावा मैं कुछ कह भी नहीं सकता ये गाना इससे बेहतर नहीं गाया जा सकता था अमेजिंग You have touched perfection. Yeah, yeah, baat, yeah, baat. Oh. Krishna, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं ना जो आपको सुनके ही पता पड़ जाता है कि इनमें कितनी potential है. आप जब गाना गाती हैं तो महसूस होता है, which is a huge deal. बहुत बहुत बड़ी quality है. लेकिन जहाँ तक सुरीलापन का सवाल है, उसको आपको थोड़ा सा मांझना होगा. So I wish you luck. Good Thank luck. you so much. Okay. Neha, मैं expect कर रही हूँ कि आप जितना अच्छा गाती हैं, उससे एक level और ऊपर जाएं, वो नहीं हो पा रहा है. मैं आपकी और improvement देखना चाहती हूँ इस show पर. I expect a lot from you, कृष्ण कली. Okay, ma'am. जावेद साहब, आपने बहुत अच्छी तारीफ की लड़की की कि जहाँ आप अभी बैठे हैं और इर्द गिर्द आपके जो सिंगर्स हैं ये इतने खतरनाक सिंगर हैं और हम इनको जज करते हैं उन सिंगर्स के साथ. अब तुम जानती हो कि नीलांजना कैसे गा रही है, अवंती कैसे गा रही है, तुम्हें पता है कि साथ में लड़के लोग भी कैसे गा रहे हैं. ये कमाल का गाना है. इट्स सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. इसमें वो चमक आना बहुत ज़रूरी है. वो खनक और चमक अगर ना होना तो थोड़ी पकड़ी जाती हो. आप कसम खा लो कि मुझे इस कॉम्पिटिशन से हटना नहीं है. आई वॉन्ट टू बी इन द टॉप 5. यू कैन कम, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इट स्टार्ट्स नाउ. ओके, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. क्या बात है. गुड लक. मैं फिर वही कहूंगा जो मैंने तुमसे कहा था. ये गाना इससे बेहतर नहीं गाया जा सकता. क्या बात है. क्या बात है सर. तुम्हारी शायरी माननी पड़ेगी. क्या बात है. क्योंकि आपको मूड में लाना पड़ेगा. मेरे मूड में लाना पड़ेगा सर. जावेद सर, आप ये देखें. शुक्र है हमने जो कुछ बोला बोला. जावेद साहब ने हमने माफ किया. बला टली. यू आर फैंटास्टिक कृष्ण कली. ओ माय गॉड सर. अब मैं जावेद साहब को यही कहना चाहूंगा सर, इस पे अब आगे तारीफ मत करिएगा, यही रोक देते हैं सर प्लीज. मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये बात मुझको कितनी खली. यू आर फैंटास्टिक कृष्ण कली. ना जाने क्यों आज अन्नू मलिक चढ़ चुका है बली. यू आर ऑल्सो फैंटास्टिक कृष्ण कली. बहुत खूब दी आपने शायरी की बली. यू आर फैंटास्टिक कृष्ण कली. कृष्ण कली सर. एक और सर. कमाल सर. कहां से बह रहा है ये पानी? बदबू आ रही है. कौन सी है ये नली? मेरा ख्याल है कि आप सड़क छोड़ के पकड़ने गली. यू आर फैंटास्टिक कृष्ण कली. जोरदार तालियां हो जाए कृष्ण कली के लिए. थैंक यू. प्लीज टेक योर सीट. थैंक यू.
म्यूजिक. हाँ जावेद साहब आप देखिए मैं इससे नीचे कैसे गाता. इससे नीचे नहीं गा पाएगा. लेकिन सोनू जी थैंक यू सो मच. एक बार जोरदार तालियां सोनू. मनीष मुझे एक बात. हाँ प्लीज प्लीज. मुझे एक बात कहनी है. मनीष ये हमारा शो सबको पता है कि बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है. सुपर डुपर हिट हो गया है. उसका एक बहुत बड़ा रीज़न मनीष पॉल भी है. इनके लिए ज़ोरदार ताली. मैंने आपको पहले नहीं सुना है पर मैं जानता हूँ कि आपकी आवाज़ जो है वो गायकी अंग वाली आवाज़ है. ये जो आपने गाना गाया है ये बहुत ठहराव वाला गाना है. इसमें एक दूर जागे भी मेरी यादों में रहना ना यादों में रहना ये एक गायकी अंग का स्टाइल है. ये अंग है गायकी का. तो मैं इस बात को
कहते हुए आपको ये अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपने जो आपकी आवाज़ की एक मुर्कियाँ और जो तैयारी है उसके हिसाब से बड़ा अच्छा कंट्रोल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द सॉन्ग किया. सो वेरी वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे. अनु सर, क्या होता है कि अगर मैं एज ए कंपोजर अपने सिंगर को जब चुनना जाता हूँ कि यार मुझे अब मैंने गाना बनाया, मुझे सिंगर चाहिए, और गाना जब बनता है ना तो चेहरा सिंगर का सामने आ जाता है. अगर मैंने ये गाना बनाया होता और मैंने तुम्हारी आवाज सुनी होती तो मुझे लगता है कि मैं शायद नहीं, मैं इससे नहीं गवाऊंगा, क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज वो होना चाहिए कि अगर आप सैड गाना हो, हैप्पी गाना हो, आप गा लो, बिकॉज यू आर अ वेरी गुड सिंगर. सौरभ, तुमने बहुत अच्छे से गाने गाए हैं इसी मंच पर. सुनो, ओनली फॉर मी, सिर्फ सिर्फ चार लाइन, सिर्फ मुखड़ा गा दो. कैसे गा दो? हाँ, तुमको भी सुनो, सुनिए. है खबर मुझको भी है पता हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता दूर जाके भी मुझसे बोलो को समझो तुम मेरी यादों में रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना. थोड़ा स्माइल भी चाहिए था, कभी अलविदा ना कहना, ऐसा इज लाइक. बस आप सीखो सीखो. थैंक यू. विशाल सर, मेरे हिसाब से आप में कमी ये है कि आप जो जी रहे हो ना वो भी थोड़ा सा छुपके जी रहे हो. आपको थोड़ा सा खुल के आर्टिस्ट बनने के लिए हर एक्सपीरियंस को अपने अंदर समेटना होगा और हर एक्सपीरियंस को गायकी में सामने लाना होगा. बस उतनी कमी है, तजुर्बे की कमी है बस. ओके, गुड लक ब्रदर. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. ऑलराइट, चलो, बहुत अच्छा गाया, बहुत, आई लव्ड इट, वेरी नाइस. एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सौरभ के लिए. थैंक यू सौरभ, प्लीज आइए, टेक योर सीट. ऑल राइट जजेस, अब बारी आ चुकी है जब आप बताएंगे कि कौन है परफॉर्मर ऑफ द डे. नितिन, और अब यहां पे सारे परफॉर्मेंसेस हो चुके हैं और अब वो मौका जब मैं बताऊंगा वो तीन नाम जो जजेस के स्कोर्स के हिसाब से इस हफ्ते बॉटम थ्री में. रिजल्ट्स हमारे जजेस के पास हैं. जजेस, और वो पहला नाम है सौरभ. सौरभ आ जाओ. कृष्णकली, अवंती आ जाइए. इन तीनों में से जनता ने जिसे दिए हैं सबसे कम वोट्स, आज उसे ये मंच छोड़ के जाना होगा. और वो एक नाम जिसे ये मंच छोड़ के जाना है, नाम है कृष्णकली. कृष्णकली, आपका इंडियन आइडल का सफर आज यहीं पे खत्म होता है. मैं चाहूंगा कृष्णकली के अब तक के सफर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. थैंक यू सो मच कृष्णकली. तो आज इंडियन आइडल को मिले हैं उसके टॉप 11. कृष्णकली का सफर आज यहां खत्म नहीं हुआ, अभी तो एक लंबे सफर की शुरुआत है. आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले शनिवार ओनली ऑन इंडियन आइडल 10. तब तक मुस्कुराते रहे इंडिया. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.